हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी एनिमेशन को इस डिज़ाइन में कैसे बनाया जाता है। तो मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ जाएंगे फाइल में, यहाँ से लेंगे न्यू फाइल। तो हम यहाँ से जाएंगे, देखिए ये सेव टूल में, ठीक है। यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेव करेंगे, यहाँ से जो है स्ट्रोक हम नन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से कोई भी कलर अपना हम ले लेंगे, कोई सब जो आपको मर्जी हो वो कलर ले लीजिए, ठीक है यहाँ से। और यहाँ सेफ रहने दीजिए। अभी यहाँ पे एक सेफ हम लोग बनाते हैं इस तरह, ठीक है। अभी इसको कंट्रोल टी करेंगे, इसको 45 डिग्री तक, यहाँ तक, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है 45 डिग्री तक इसको रोटेट करेंगे, ठीक है इस तरह। इस तरह 45 डिग्री तक रोटेट करेंगे, फिर कंट्रोल टी करेंगे, फिर उसके बाद शेप बनाएंगे। हमें जो डिजाइन चाहिए इस पे जितना आप प्रेस्टिक करेंगे उतना जो अच्छा बनेगा, ठीक है। इस तरह जो है इस तरह करेंगे, कंट्रोल दबा के, या कंट्रोल टी से भी कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के हम इस तरह शेप बनाएंगे, ठीक है। अभी इतना होने के बाद हम इसको यहाँ सेट करेंगे, फिर हम कंट्रोल जे करेंगे यानी डुप्लीकेट। अब कंट्रोल टी करेंगे यानी ट्रांसफर। अब इसको 10 तक रोटेट करेंगे इस तरह, देखिए इस तरह जो है रोटेट करेंगे। फिर यहाँ इस शेप की इस तरह जो है हम इसको सेटिंग करेंगे, ठीक है। अब हमें दबाना, इंटर दबाएंगे, उसके बाद अब अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, फिर टी को दबाना है, छोड़ना है, ठीक है। देखिए इस तरह, इस तरह बहुत सा शेप जो बनने बनने लगेगा। तो हमको इस तरह बनाना है, ठीक है। अभी देखिए, ये देखिए इधर आ गया। अभी इसको हम आखिरी में सही नहीं आया तो इसको कंट्रोल टी करेंगे, उसके बाद कंट्रोल दबाएंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, ठीक है। जो है हमें ये दोनों लेयर को सेलेक्ट करना है, तो सिर्फ दबा के इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अभी राइट क्लिक करेंगे, रिस्टराइज लेयर पे जाएंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, अभी इसको हम छोटा करेंगे, ठीक है। ये से बना हुआ है, फाइल बना हुआ उसके बराबर करेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह जो है आप भी इस तरह कर सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है अच्छा बनेगा, ठीक है। इस तरह जो है आप बना लीजिए, जितना आप अच्छा बनाएंगे उतना जो है, मतलब सारा चीज होता है प्रैक्टिस पे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है अच्छा बनेगा, ठीक है। इस तरह सेट कर लिए, उसके बाद हम मूव टूल में जाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे और इसको सेंटर में कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल डी करेंगे, इसके बाद इधर लेयर पे कंट्रोल जे करेंगे, इसके बाद फिर कंट्रोल टी करेंगे, फिर इसको देखिए इस तरह जो है आप इस तरह छोटा करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह ये देखिए इस तरह जो है आप सेटिंग कर लिए। उसके बाद हमको इसको इसका कलर बदली करना है, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, अब कलर ओवरले में जाएंगे,
देखिए इसका कलर जो है हम मान लो ये दे देते हैं, ठीक है ये दे दिए। अभी फिर कंट्रोल जे करेंगे, फिर कंट्रोल टी करेंगे, फिर यहाँ लाके इसको सेट करेंगे यहाँ पे ऐसे इस तरह, यानी सेम सेम फॉलो जो है सब करना है इसी तरह, ठीक है। अभी इसका कलर चेंज करना है तो हमें ये कलर ओवरले में डबल क्लिक करना है। देखिए इसका कलर आप अपने हिसाब से जो जो भी कलर डालना चाहें डाल दीजिए। फिर कंट्रोल जे करेंगे, फिर कंट्रोल टी करेंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर इसको सेट करेंगे, ठीक है। अब इसका भी चेंज करना है तो हम कलर ओवरले में डबल क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अभी हम रेड रख लेते हैं, ठीक है ये हो गया। फिर कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल टी, उसके बाद यहाँ लाएंगे, हाँ इस तरह जो है हम सेट करेंगे, ठीक है। अब इसका भी कलर चेंज करना है तो कंट्रोल कलर ओवरले में डबल क्लिक करेंगे, यहाँ जो है हम जो है ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए इतना होने के बाद, इतना होने के बाद हमें ये एरो को जो है क्लिक करना है इस तरह, ठीक है। इस तरह जो है हम कर लिए। अभी विंडो में जाएंगे तो देखिए अब दूसरा फोटोशॉप होगा आपका, तो उसमें जो है यहाँ पे ही देखिए ये लेयर के नीचे इसमें आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको टाइमलाइन बता देगा। अभी हमको डालना है टाइमलाइन में, ये देखिए यहाँ टाइमलाइन है, ठीक है। यहाँ ओके करें, यहाँ देखिए राइट फॉर्म एलिमिनेशन, ठीक है इस पर क्लिक करें, फिर यहाँ क्लिक कर देंगे। देखिए एक बन गया, आ गया। इस तरह अब एक एक लेयर को छोड़ कर बाकी सब हाइड कर देंगे, ठीक है इस तरह देखिए हो गया। अभी यहाँ आएंगे, इस पे जो हमें क्लिक करना है ये, अब यहाँ क्लिक करना है, ठीक है लेयर पे। फिर इस तरह हमको यहाँ एक लेयर बनाना है, फिर यहाँ पे जो है क्लिक करना है। इसी तरह आप जो है कर सकते हैं। हमारे पास देखिए पांच है, पांच बार क्लिक कर दिया। अभी देखिए ये हो गया, अब देखिए सेम टू सेम ये डिजाइन आ गया, ठीक है। और देखिए अभी फास्ट चल रहा है ना, इसको सिलेव करने का भी है तरीका। ये देखिए मैं बंद करता हूँ, अभी सिर्फ दबा के इसको सब सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ 1.0 रखेंगे, ठीक है। अभी देखिए सील हो गया, इस तरह आएगा, ठीक है। तो अभी इसको सेव कैसे करेंगे तो वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे, ये फाइल में गए और यहाँ मेरे में तो यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। ये सेव फॉर ऑब में जाएंगे इस तरह, देखिए इस तरह आपका टॉपअप खुल के आएगा, ठीक है। और यहाँ फेवर जो है रहना चाहिए, ठीक है, तो रेगुलर आपका चलते रहेगा। और यहाँ दूसरा रहेगा, मान लो ऑन रहेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका फेवर होना चाहिए। आप यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे वीडियो